तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं घर के एक ऐसे वास्तु दोष के जिसके कारण आपके घर में कभी भी बरकत नहीं होती। मान लीजिए आप कोई जॉब करते हैं और आप देखते हैं महीने के 15 दिन के अंदर ही आपकी सैलरी ख़त्म हो गई है, और आप 15 दिन जो आपको बहुत ही तंगी में बिताने पड़ रहे हैं, या फिर आप कोई व्यापार करते हैं तो उसके अंदर आपका जो लिक्विड कैश है, डेली का खर्चा, वही पूरा नहीं हो पाता। तो दोस्तों सिंपल आपको क्या करना है, आपको अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाएं, जो भी फेसिंग आपका घर है, मान लीजिए घर है नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, नॉर्थ की तरफ आपको पॉइंट करना है कंपास का। अपने मोबाइल में कंपास निकाल लें, नॉर्थ की तरफ पॉइंट करें, उसे 2-4 बार कैलिब्रेट आप जरूर कर लें पहले। उसके बाद देखिए 135 डिग्री आपके घर का कहाँ आ रहा है। जहाँ भी 135 डिग्री आएगा मान, वो दोस्तों आपके घर का साउथ ईस्ट कॉर्नर होगा। ये कॉर्नर शुक्र का कोना होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपको यहीं से मिलती है, क्योंकि ये कोना होता है घर का अग्निकोण। दोस्तों ज़्यादा आपको किसी टेंशन में ना डालते हुए मैं आपको सीधा बता देता हूँ, मोटा मोटा आपको इस एरिया में देखना, आपके घर के इस कॉर्नर में किसी भी तरह का कोई ब्लू कलर या ब्लैक कलर तो नहीं है, या फिर किसी भी तरह का यहाँ पे कोई पानी का ओवरहेड वाटर टैंक या अंडरग्राउंड वाटर टैंक या किसी भी तरह का नलकूप या किसी भी तरह का पानी बोरवेल, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जहाँ पे जिसके अंदर पानी यूज होता है, वो यहाँ पे नहीं है, और ब्लैक और ब्लू कलर यहाँ पे है। अगर ये सब चीज़ें हैं तो दोस्तों कभी भी आपको पैसे के अंदर बरकत नहीं होगी। आप जितना चाहे पैसा कमा लें, चाहे कोई भी व्यापार कर लें, आप हमेशा ही जो आपको कैश के मामले में, लिक्विड कैश के मामले में, डेली खर्चे में आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। और आप देखेंगे साथ में घर में जो लेडीज़ हैं उनकी भी तबीयत, जो हेल्थ है, वो सही नहीं रहेगी, उनको भी प्रॉब्लम आती रहेगी। आपको सिर्फ सिंपल क्या करना है, आप यहाँ से अगर यहाँ पे ब्लू और ब्लैक कलर है तो उसको हटा दें। अगर आपको कोई कलर समझ में नहीं आता तो सिंपल आप यहाँ पे ऑफ वाइट कलर कर सकते हैं, क्रीम कलर कर सकते हैं, या फिर आपको नॉलेज है तो आप यहाँ पे हल्का रेडिश कलर कर सकते हैं, रेडिश फैमिली के कलर आप यहाँ पे कर सकते हैं, वो भी लाइट। इसके अलावा जो भी पानी की व्यवस्था है दोस्तों, पानी की व्यवस्था आप तुरंत आल से यहाँ से हटा दें, क्योंकि पानी का जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पर पड़ता है। अगर ओवरहेड वाटर टैंक है तो आप उसे इस साइड ले जाएँ, अगर किसी भी तरह की मोटर है तो आप इसे इस साइड नॉर्थ ईस्ट में ले जाएं, या फिर किसी भी तरह का बोरवेल है, खड्डा है, तो दोस्तों उसका फिर आपको कोई इलाज नहीं है, वो खड्डा बोरवेल तो आपको यहाँ से बंद करना ही होगा, तभी आपको जाके आपकी लाइफ के अंदर जो स्टेबिलिटी मिलेगी और आपके घर में बरकत होना शुरू हो जाएगी। कलर का हमने आप लोगों को बता ही दिया, बोरवेल या खड्डा है तो दोस्तों उसे आपको भरवाना ही पड़ेगा। जैसे आप उसे भरवा देते हैं या चेंज कर देते हैं, किसी और डायरेक्शन में ले जाते हैं, कुछ ही दिनों के अंदर देखेंगे आप जो आपके कैश की प्रॉब्लम है, लिक्विड कैश की प्रॉब्लम है, डेली खर्चे की प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। जब भी आपको पैसे की ज़रूरत होगी, आपके पास अवेलेबल, हमें हर टाइम आपके पास घर में पैसा है जो अवेलेबल रहेगा, और जो है लेडीज़ की हेल्थ भी है वो भी हमेशा अच्छी रहेगी, क्योंकि सारे घर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दोस्तों वो यहीं से गवर्न करता है, क्योंकि अग्निकोण होता है घर का वास्तु के हिसाब से। अगर यहाँ पे किसी भी तरह का वास्तु दोष नहीं है तो हमेशा हेल्थ भी सही रहती है और पैसा भी आपके पास हमेशा अवेलेबल रहता है। इसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।